हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमके एजुकेशन। साइंस वन रो मानव चक्षु मनोजगत मनोजगत विषय जो आम गला क्लास रे करा हितला पार्ट वन आमर समीप दृष्टि विषय पर्यटन पढ़ाई थी। आज आम कौन पढ़वा दूरदृष्टि आ चालीसा विषय पढ़वा। तो समस्त को रिक्वेस्ट जो भिडियोटी को संपूर्ण रूप देख जहाद्वारा समस्ते भलि बुझिपार। देख ये जो दूरदृष्टि विषय मुद फास्ट में दूरदृष्टि कौन करा दूर वस्तु को देखिपार। दूर जन व्यक्ति दूर वस्तु को देखिपार किंतु निकट वस्तु को से देखिपार ना केत देखिपार ना ना जोबले तार प्रोब्लम आसो कौन ना सिलियरी मांसपेशी प्रोब्लम आसव जार लेंस पावर कमिजी। लेंस पावर कमिले कौन मुझे लिखिद देख लेंस पावर इक्वल टू वन बाय एफ लिखी। तो लेंस पावर जदि कमिला लेंस पावर जदि कम फोकस दूरता कौन हम बढ़ला। देख लेंस पावर कमीगला फोकस दूरता बढ़ तो से कौन हम निकट वस्तु ताको देखा ना कहीं देखा निकट वस्तु दूर वस्तु देखिपर से दूर वस्तु तार प्रतिबिंब कौट सृष्टि हम मुकुरिका सृष्टि हम दूर वस्तु को सहज देखिपर कि निकट वस्तु प्रतिबिंबा तार मुकुरिकार सृष्टि हम ना कहीं कही फोकस दूरता जेहेतु बढ़ीज से तार जो निकट वस्तु प्रतिबिंबा से कौट सृष्टि हम मुकुरिका पक्षपटे सृष्टि हम देखुचना ये मुकुरिका अच्छे ना पे मैंने मुकुरिका पक्षपटे मैंने सृष्टि देख मुकुरिका पक्षपटे सृष्टि हो तो ये कौन करार अच्छी समाधान अच्छी से चशमा पिंधार अच्छी। तो समीप दृष्टि तुमको कहुई अबतल लेंस चशमा पिंधे एवं देखा कौन दूरदृष्टि आम कौ प्रकार चशमा पिंधा दूरदृष्टि आम कौन करवा उत्तल लेंस चशमा आम पिंधा पड़ो लेंस उत्तल लेंस चशमा पिंधा कहीं कहुच्छे उत्तल लेंस जो पावर अच्छी सब कौन होता है सीटा प्लस होता है। तो जो लेंस जो पावर कौन हो कमी जा जितना ये चक्षु लेंस पावर कमीगला आम तार पावर टाइम जो बढ़े पार आमर कौन हो पार ना जो फोकस दूरता जो बढ़ी जाए सीटा कौन हम कम तेनाली देख ये उत्तल लेंस गोटे रखाई है कि लेंसटा उत्तल लेंस यहाँ कि लेंस यहाँ चक्षु लेंस यहाँ चक्षु लेंस विंधाला पर कौन है तार प्रतिबिंब जो पक्षपटे सृष्टि होता है मुकुरिका पक्षपटे से आस सृष्टि हे ना मुकुरिकार सृष्टि हे यहपर भाव सी दूरदृष्टि कौन कर भल हो पार। तो दूरदृष्टि पर आम पढ़ा कौन चालीसा विषय देखा देख पे चालीसा क्या हूँ ना बुढ़ा बुढ़ी मान जो मान चालीस वर्ष ऊर्ध हो साधारण चालीसा हो जाए कहीं से सिलियर मांसपेशी कौन हो जाए दुर्बल हो जाए ताफल जो वस्तु को से देखिपारती ना भले कहीं समाज पावर से कौन करती हर बसती। तो चालीसा जो मान जाए से कौन करें उत्तल लेंस ही से चशमा पिंधिपर कौन पिंधे चालीसा हाँ देख दूरदृष्टि से चालीसा उत्तल लेंस पिंधिपर आलीसा हेल्ला से कौन कर उत्तल लेंस चशमा पिंधे तार से दृष्टि से भला वस्तु से स्पष्ट भाव कौन कर देखिपर। तो पे के जोटा कि दुई प्रकार चशमा पिंधती केमी ना से कौन करती तुम देख चशम दि प्रकार लेंस लगी था कौन कौन लेंस लगी था उत्तल लेंस लगी था सहित अबतल लेंस लगी था। तो उत्तल लेंस कौन लगी था ना जो तले उत्तल लेंस लगी थोड़े कौन लगी थो अबतल लेंस लगी थो तो फल कौन करें ना तले से निकट वस्तु को देखी पार्टी जो लेंस लगी थो दूर वस्तु को देखी पारती मानने तार गोटे छोटिया एग्जांपल तुमको देवी जड़े मन कर बस पेपर पढ़ुंट पेपर पढ़ला टाइम तुम देखी थो चशमा से तौक अन पढ़ुए तो तले लेंस अच्छे उत्तल लेंस निकट में पेपर से पढ़ी पारे से टाइम मन घर जी किए आसला से कौन करेंगे आखि उठे देखिए आउ से जो ऊपर जो लेंस लगी अबतल लेंस जहाद्वारा से दूर जी किए आसला देखिपर। तो से प्रकार लेंस को आम कौन कहे बाइफोकल लेंस कह बाइफोकल लेंस वे कहते ओडिया रे दुई फोकसी चशमा आम कह बाइफोकल लेंस दुई फोकसी चशमा बोली कहते।
किंतु आजिकल तुम जान पा मैंने जो प्रकार अच्छा से मैंने चशमा पिंधा भल मैंने पाती ना से चशमा से पिंधती ना से कौन कर बाहर को बाहर चशमा पिंधे से बोधे लाज लगुच बोधे और से कौन करेंगे ना कंटाक्ट लेंस मिलूँ कौन मिलूँ कंटाक्ट लेंस मिलूँ से कंटाक्ट लेंस को कौन करती आखिरे से लगे दिखती मनकर जन को दूरदृष्टि से उत्तर लेंस कंटाक्ट लेंस मिलूँ से कंटाक्ट लेंस से कौन कर आखिरे पिंधिकी से बिना चश्मार मध्य सब वस्तु को कौन करपष्ट भाव देखिपर कि जो कंटाक्ट लेंस पिंधाटा टे भल मना ना कि गोटे जिनस कौन जो बाहर आमर अच्छी धूली जो गाड़ी गुड़ा गला जो धूली उड़ू से गुड़क आखिरे बसला कौन हम आपको इनफेक्शन करेंटा को आखि कुंडे लग पाए तो सेटा प्रॉब्लम अच्छी चश्माटा सब बेस्ट अच्छी चशमा पिंधे भल कौन प्रॉब्लम ना बाहर गला से जो धूली हजार गाड़ फाड़ जहाँ धूली अच्छी से गुड़क आखिरे पशिव ना आस्तु से कौन करष्ट भाव देखिपर तो ये हूँ दृष्टिदोष तीन प्रकार पड़े समीप दृष्टिदोष दूरदृष्टिदोष आ गए कौन जे चालीसा तीन प्रकार किमी कारण कौन आ तार किमी आम निराकरण कर चशमा तुमको कहीदेली बर्तमान देखा नेक्स्ट पे चक्षुदान एक महदान आर से कथा किए जापर जार चक्षु न थाए से भल जाए तेणु चक्षुदान करवा निहाती आवश्यक समस्ते कौन पाई आमे जड़े मनुष्य जदि कौन कारणवशत मृत्यु हो जाए तेल आम जड़े कौन करें दुईज को चक्षु दान कर कहीं देख चक्षुदान करने के भावनी जे चक्षुदान कले मलापुर आमर मुह विकृत हो भावना केवेलटा भूल अटे तो चक्षुदान करवा निहाती आवश्यक पृथ्वी प्राय जदि आम गोटे कैलकुलेशन गोटे बाहर कराई गोटे संख्यात्मक गोटे जिन बाहर कराई पृथ्वी केते लोक व्यक्ति दृष्टिहीन अटंते देख मु लिखीदे ये पृथ्वी प्राय 35 नियुत व्यक्ति बर्तमान कौन अच्छा दृष्टिहीन अच्छा देख कौन ना कौन से कारणवशत केत लोक जन्मरू अंध था आउ केत लोक विटामिन अभाव आखिक देखा जाए ना कौटे एक्सीडेट हो आखिक तार प्रोब्लम होजिकाल तो बहुत एक्सीडेट होता है तो पाने जो 35 नियुत व्यक्ति बर्तमान कौन अच्छा दृष्टिहीन अच्छा से भितर आम देखा 45 लक्ष व्यक्ति अटंती कौन ना स्वच्छ पटल दोष रु से देखिपारती ना स्वच्छ पटल बोले कौन पे ना बाहर जो आवरण नाम अच्छी जो ह्वैट रूम कही जो स्वच्छ आवरण रही चक्षुर जहाँ को आम धला बोली आम देखु जोड़ा बाहर आम अच्छी सी हूँ स्वच्छ पटल से मड़ होगी कौन प्रोब्लम जो होमर 35 नियुत जो दृष्टिहीन व्यक्ति अच्छा से 45 लक्ष व्यक्ति से ही कारण स्वच्छ पटल दृष्टि से मैंने जमा देखिपारती कि आ गोटे जिनस जान लें पे तुम समस्त आश्चर्य हम जे चक्षुहीन जो अच्छा से मैंने किए बेसी बेसी मानते कौ बयस पाने को मैंने समस्ते कौन चक्षुहीन अच्छा अधिक वृद्ध लोक मैंने चक्षुहीन अच्छा ना युवक मान अच्छा ना छोट पाने देखा देख गोटे कैलकुलेशन कराई 60 भाग हो 12 वर्ष रु कम पिला देख 12 वर्ष रु कम पिला मान के छोट पिला तार जीवन आहरी अच्छी भविष्य तार अच्छी से दुनिया को देखी पार था कि देखी पारे सी 12 वर्ष रु कम पिला आमर के 60% मान तार अर्थ 12 वर्ष रु जो अधिक जो मैंने अच्छा से मैंने के 40% अच्छा जो मैंने 12 वर्ष रु अधिक से आखि देखा जाऊ ना कि यहाँ बड़ा सब गोटे चिंतार विषय जो 12 वर्ष रु कम पिला आम 60 भाग एम अच्छा जहाँ आखिक देखा जाऊनि कितु केते लोग कौन करती जनकर अचानक मन कौन कारणवशत कहीं तो मृत्यु को आम केवल रखिपर ना आज जो जन्म होती कल निश्चय आम मरवा से कथा कहीहब ना तेणुक पाने केत कौन हम किसी कहीहब ना तो पूर्व आम मरवा पूर्व आम दुईज को चक्षु दान कर मरवा देख को व्यक्ति मुझे तुमको कहीदे को व्यक्ति चक्षु दान करते लोग भावुवे जे मत डायबेटिस रोग हो जा मत हाई ब्लड प्रेशर हो जा चक्षु दान करा भूल धारणा से
କାହିଁକି ଜଣ ଯଦି କୋଉ କୋଉ ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିପାରିବେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାହେଇଛି ଦେଖ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧୁମେହ ରୋଗ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ହେଇଥିବ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଇଥିବ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଇଥିବ ତାର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରୋଗ ହେଇଥିବ ବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଏଠି ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଚକ୍ଷୁ ନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନା କରିବେନି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ତାକୁ ହେଇଛି ମୁଁ ତାଠୁ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ ସେଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ ଆଉ କଣ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକି କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗୀ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗୀ ବୋଲେ କଣ ନା ଯାହାକୁ କୌଣସି ଡିଆଁ ରୋଗ ହେଇନଥାଏ ସେ ହଉଛି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗୀ କଣ କରିପାରିବେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କଲେ ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଡେଥ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ନେଇ କଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ପିଲାମାନେ ଆମେ ମରିବାର 4 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚକ୍ଷୁର ଜୀବନ ଥାଏ ମନେ ରଖ ମରିବାର 4 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବାହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉଡ଼ି ନିଆହବ ନା ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରିଛି ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ହେଲା ତ କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ ଖାଲି ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଆମ ନାଁଟା ଖାଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିବି କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁର 4 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ଷୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ବାହାର କରିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିପାରିବା ଆଉ ଚକ୍ଷୁ କାଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି କେବଳ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କଢାଯାଏ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଓନ୍ଲି 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚକ୍ଷୁ ବାହାର କରିପାରିବା ତାକୁ କଣ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ ରୋଗକୁ ହେଲେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଦେଖ ଏଡ୍ସ ରୋଗ କି ରୋଗ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହେଇଥିବ ଏଇ ରୋଗ ତ ହେଲେ ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ସି ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ଜାଣିଛ କୁକୁର କି ପାଗଳା କୁକୁର କି ପାଗଳା ବିଲୁଆ ଏମାନେ ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ହବ ଆଉ ସିଏ ତା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାର ଅଛି ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କା ରୋଗ କଲେରା ରୋଗ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ବା ଏନ୍ସିଫାଲାଇଟିସ୍ ରୋଗ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗଟା କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ରୋଗ ତ ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ବା ଏନ୍ସିଫାଲାଇଟିସ୍ ରୋଗ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ରୋଗ ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ ତମକୁ କୁହାହେଇଛି ଏଥିରେ କଣ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାପରେ କଥା ଆସିଲା କଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଚକ୍ଷୁକୁ ଯାହାର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ସମାନ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଚକ୍ଷୁ ସେମାନେ ନେବେ ଆଉ ଯାହାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକର ଚକ୍ଷୁ କିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି ବା ଦାନ ହଉନାହିଁ ସେ ଲୋକର ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚକ୍ଷୁକୁ ରଖିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗବେଷଣା କରନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜି ଆମେ ସିନା ଆଗେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଡକ୍ଟର ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କଣ ହେଲାଣି ସବୁ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଇ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କଣ କରିବା ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିବା ଦେଖ ଆୟତଖାନାର କାଚ ବିଷୟରେ ପଢା ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆୟତଖାନାର କାଚରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଣ ଯେ ଯୋଉ 2ଟା ପୃଷ୍ଠ ଥିଲା ପାଲେଲ ଥିଲା ଆୟତନ କାଚରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିସ୍ଥାପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆୟତନ କାଚରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ବିସ୍ଥାପନ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରିଜମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପ୍ରିଜମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ପ୍ରିଜମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କେତେଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ଗଣିଦେବା ଟିକେ ଦେଖ ଚିତ୍ର କାଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ତମକୁ ପରିମିତିରେ କୁହାହେଇଥିଲା ପ୍ରିଜମର କେତେଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ଦେଖ କେତେଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି 5ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ପ୍ରିଜମର କେତେଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି 5ଟା ତଳଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଉପର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ 2ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ପାର୍ଶ୍ୱ ହଉଛି କେତେଟା 2ଟା ଆଉ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି କେତେଟା 3ଟା
आयत क्षेत्र तो टोटाली के पांचटा पृष्ठ होती आम जो करवा से त्रिभुजाकार पार्श्वटा आम आड़ अच्छे मुहाड़ रहा अच्छे आज जो आलोक रश्मि पड़ब से कौट पड़ार अच्छे से आयत जो आयत क्षेत्र अच्छी पड़वर अच्छे तो जो देख मुझे आलोक रश्मि ये पकईली ना गोटे मुझे कौन कल रेखा गोटे अंकन कली ये गोटे काच प्रिजम निहाई काच प्रिजम जो अच्छी दुटा कंटा मन आम पृथ्वी पी आउ क्यू नवा आम दुटा कंटा तो गोटे पिला को जो आम कह पी आउ क्यू कंटा निहाई आठ प्रिजम अच्छी तू आर पटा आसिक देखे से कौन करपटा गोटे दुईटा कंटा देखा से दुईटा कंटा हूँ कौन ना आर गोटे बिंदु आस गए एस गोटे बिंदु आस गोटे एस गोटे बिंदु आस तो आम आर एस ना देदेव यटा को दुटा बिंदु को जो करदे दुटा को जो कर देख तो जोड़ी आम छेद है जगह आम जो अच्छी आपको आम ना देदा कौन इ ना देदे आपको इ ना दबा आपको एफ ना दबा दु ना दे तो कहते जो जगह आलोक रश्मि पड़ो से आम कौन अंकन करवा अविलम्ब अंकन करवा कौन करवा अविलम्ब एक अविलम्ब अंकन देख एक अविलम्ब अंकन होगा ये गोटे अविलम्ब कौन कर अंकन करवा अविलम्ब सब कौन पृष्ठपति कौन हम पृष्ठपति लंब हम सब अविलम्बा दुईटा अविलम्ब अंकन कल आईटा इ आउ एफ बिंदु कौन करोग करदेवि है बर्तमान आम थीओरी अनुसार आम एप्लाय कर देखा किमित जिन तुम क्लीयर बुझे देख मन कर पे एपटा गोटे आलोक रश्मि जाए भाव वायु मध्यम एटा कि मध्यम काच मध्यम आउ थे पुणी आसला ये कौन है वायु मध्यम जदि वायु को काच को आम आम कंपेयर करवा वायुटा हूँ कौन ना लघु वायुटा कौन ना जे लघु मध्यम काच हूँ कि मध्यम घन मध्यम लघु रु घन को जो आसव आलोक रश्मि से तुमको कही लघु रु घन आड़े गले कौन हम कही लघु रु घन लघु रु घन गले कौन हम ना अविलम्ब आड़ को बंकाए अविलम्ब आड़ को बंकाए लघु रु घन गले कौन हम आलोक रश्मि अविलम्ब आड़ को बंकेब सेमिति घन रु लघु गले कौन हम देख घन रु लघु गले कौन हम अविलम्ब ठारु दूरे जाए ए दुईटा रूल आम कौन पढ़ते आलोक पाठ पढ़ाई अविलम्ब ठार दूरे जाए दूरे जाए अविलम्ब ठार दूरे जाए ए दुईटा रूल आम कौन हम ये कार्य कर देख प्रथम जो लघु मध्यम घन मध्यम गल आलोक रश्मि से कौन है ना गला बेले सी अविलम्ब आड़ को बंकेला कि बंकल देख एक्चुअली तार जो गतिपथ हूँ कुआ जीव सी एक्चुअली यार जीवा कथा इड जा कथा तार गतिपथ इड अच्छे कि रश्मि यहाँ आपतित रश्मि कि रश्मि यहाँ आपतित रश्मि ए मझीटा कि रश्मि है पे देखी दूसरे लिखी दूचे ये प्रतिश्रुत रश्मि कि रश्मि प्रतिश्रुत रश्मि जो बाहर भाला कि रश्मि निर्गत रश्मि कि रश्मि यहाँ निर्गत रश्मि तो आपतित रश्मि को मुझे बढ़े एबे निर्गत रश्मि बढ़ेबी देख निर्गत रश्मि के बढ़ेबी निर्गत रश्मि आपतित रश्मिटा कुआड़े जाऊँगी किंतु प्रतिश्रुत जो प्रतिश्रण है से कौन है अविलम्ब आड़ को बंकेला कहीं कहली लघु रु घन गले अविलम्ब आड़ को बंकेब एबे कौन है ना प्रतिश्रुत रश्मि जो ए पृष्ठ को जाइए एस पृष्ठ को देगला बाहर को जवा टाइम कौन हम से एक्चुअली से सीधा जावा कथा किंतु से कौन कर अविलम्ब ठारो दूरे जाइए अविलम्ब ठार दूरे जाए निर्गत रश्मि तो फल पिला देख ये जो आपतित रश्मि और निर्गत रश्मि आम आयत घनाकार काच रे पाठ पढ़ते से कौन होता आपतित रश्मि और निर्गत रश्मि दुटाक समांतर भाव जाइए
आ दुईटा भितर व्यवधान सामान थी जहाँ पार्श्व विस्थापन कहुई यही तो सामानतर हे ना कहीं एम तो सामानतर ही ना ए बी पृष्ठ ए सी पृष्ठ जो अच्छी कोण गठन कर जो आम रश्मि दे आसवेल मत पालेल हमनी तो ताफल कौन है आपतित रश्मि और निर्गत रश्मि कौन है परस्पर को छेद कर कौ बिंदु ने ना यही बिंदु छेद कर कौन एम बिंदु छेद कर तो ये गोटे कोण उत्पन्न होण को आम कौन कह है जो एम कोण आम सृष्टि एंगेल एम जो सृष्टा को आम कौन कह विचलन कोण बोली कह गोटे परीक्षा पाई भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसो जे क्वेश्चन आसो कौन मुझे कहीदे प्रिजम आलोक प्रतिसरण बेले आपतित रश्मि और निर्गत रश्मि भितर जो कोणटा उत्पन्न है कि कोण कह कोण विचलन कोण जो इंग्लीश कहते एंगल ऑफ डेविएशन कहते कौन कहते एंगल ऑफ डेविएशन तो ये हूँ प्रिजम मधे आलोक प्रतिसरण जो अच्छी तार प्रतिसरण केमी चित्र माध्यम तुम भल बुझे देख कौन जो डाउट अच्छी प्रिजम मधे धला आलोक प्रकीर्णन विषय बर्तमान पढ़ा समस्ते भला जान पे अधिकांश पिला जान ना मत एक कौन जे सूर्य जो रश्मि आसार वर्ण कौन तार वर्ण हूँ धला वर्ण पिला मन रख सूर्य रश्मि वर्ण हूँ धला वर्ण आई जो सूर्य जो रश्मि आम देखुं कौन हूँ प्रतिफलित हो प्रतिसरण होकर इंद्रधनु सृष्टि होधारण तुम देखी थो बर्षा दिन ही इंद्रधनु आम सृष्टि होता है जो पटे इंद्रधनु सृष्टि हो तार विपरीत दिगरे कौन हम सूर्य से था विषय तो आम पढ़ा निश्चय कितना बर्तमान देखा आम जोटा कि ये परीक्षा विषय देखा जहाँ परीक्षा जो देखा धला आलोक जो प्रकीर्णन केमी हो प्रकीर्णन अर्थ है कौन ना धला आलोक विभिन्न कलर सब बाहर केमी टोटाल आम धला आलोक केतोटी वर्णर समष्टि सी आम जानते धला आलोक हूँ सातोटी वर्णर समष्टि बाघ निश हनाला बैगणी घन नील नील सबुज हलदिया नाली नारंगी आ लाल एति होछ हम टोटल अच्छे बागनिस हनाला तो ये परीक्षा किए करते को वैज्ञानिक परीक्षा करते ये परीक्षा करते जड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक जहाँ बहुत अवदान अच्छी सर आइजाक न्यूटन सर आइजाक न्यूटन ये परीक्षा करते बर्तमान देखा से परीक्षा कौन सूर्यंकर प्रिजम मधे धला आलोक प्रकीर्णन केमी से बाहर कर देखा से किपर गोटे आर्टिफिशियली गोटे कौन नहीं प्रिजम नहीं प्रिजम गोटे धला आलोक पकई से कौन करते ना सतोटी वर्ण सृष्टि करते आम गोटे प्रिजम देख चित्र काटा देख कम तो गोटे प्रिजम नि से प्रिजम उपर कौन कराइला ना धला आलोक गोटे टर्च लाइट रलोक धला आलोक था साधारणतः तो धला आलोक पड़ू गोटे टर्च लाइट नवार अच्छी किए आलोक धला आलोक पकाई सर आइजाक न्यूटन ये परीक्षा करते से कौन करते गोटे धला परदा गोटे नहीं जाते गोटे धला परदा एटा कि परदा गोटे निला धला परदा निला धला परदा उपमी विभिन्न वर्ण सृष्टि हो बर्तमान देखा जितने आलोक रश्मि ये पड़ी था प्रिजम मध्य जिते से कौन होता से प्रकीर्णन होता को प्रकार प्रकीर्णन मुझे चित्र काटे तो मुझे कहीदे भल देख प्रकीर्णन तो आम कौन लिखा ना जी जो आम जो कलर अच्छी सतोटी वर्ण सृष्टि हम धला आलोक रु कौन हम बा घ नी स ह ना ला लिखी दूसरी पे बा बोले कौन बैगणी बा बोले कौन जे बैगणी कौटा ना भायोलेट कौन हम भायोलेट घ बोले कौन घन नील कौन बैठा इंडिगो घन नील नी बोले कौन
नील आम कौन कह ब्लू कौन कह ब्लू कह कहले कौन सबुज आम कौन कह ग्रीन तापर आसला कौन ह कहले हलदिया जगह आम कह येलो तापर अच्छे कौन ना ना बोले कौन जे नारंगी ऑरेंज हम ये आसा लास्ट हूँ कौन ला ला बोले कौन लाल कौन हम रेड से बाघनीस हनाला पिलाने सहज मन रखा सब बेस्ट हूँ यहाँ कौन बाघनीस हनाला यहाँ किए करते सर आइजाक न्यूटन परिया करते आपको आम सहज मन रखा कौन बी आई बी जी वाई ओ आ कौन पढ़वा भिवजिओ कौन पढ़वा भिवजिओ पढ़वा तो सतटी वर्ण जो आम सृष्टि सतटी वर्णर समाहर को सतटी वर्णर समाहर को कौन कह जान पा मैंने बर्णाली कहा जाए कौन कह जाए बर्णाली कहा जाए तो बर्णाली आम इंग्लीश से कौन कह स्पेक्ट्रम कौन कह स्पेक्ट्रम बर्णाली कह तो यहपर भाव में सर आइजाक न्यूटन को जो परीक्षा था धला आलोक किमी आमर नेचुराली आम जो देखा धला आलोक जो प्रकीर्णन होती ना जलबिंदु रही इंद्रधन सृष्टि था यहाँ हूँ आर्टिफिशियली कौन हम ना जो प्रिजम आम नवा प्रिजम नहीं धला आलोक पकेवा सतटी वर्ण सृष्टि हो प्रश्न ये आसला जे को वर्णटा अधिक बंकाए परीक्षार भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला गोर थर जे ए भितर को वर्ण बेसी बंकाउची देख सब बेसी बंकाउची के बैगणी बैगणी वर्ण सब अधिक बंकाए सब कम के बंकाउची लाल वर्ण सब कम बंकाउची ए दीटा प्रश्न भला मन रखित पे तुम आस परीक्षा को वर्ण सब अधिक बंकाए बैगणी को वर्ण सब कम बंकाए हूँ कौन लाल वर्ण कहीं जी कम बंकाए तार तरंगर दैर्घ्य सब अधिक होता है लाल तरंगर दैर्घ्य सब अधिक आ जिनसा तुमको निश्चय आगू पाठ पढ़ा दरकार पड़ो तुमको तो समस्त यहाँ कौन कर मन रखार अच्छी तो आम देखिले प्रिजम मध्य धला आलोक केमी आम प्रकीर्णन है जगह इंग्लीश कौन कहते डिस्पर्सन कहते समस्त लंग क्वेश्चन आसला आपको आम लिखिपरिया।